नमस्कार दोस्तों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल अपडेट्स के सीरीज में आपका स्वागत है। कुछ हाईलाइट अपडेट्स की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का जादू चल गया है। उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है और कमला हैरिस को हरा दिया है, और इस मौके पर पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी जीत की बधाई दी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग की आशा करता हूँ। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत को जबरदस्त फायदे ही फायदे होने वाले हैं, लेकिन नुकसान के बारे में भी जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। ये आपके लिए एक दो सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद होती है। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली है। फॉक्स न्यूज के प्रोजेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को विजेता घोषित किया है। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस को हरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिकी चुनाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस बार ट्रंप की जीत भारत के लिए कुछ फायदेमंद भी हो सकती है और कुछ नुकसानदायक भी। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार एमके ग्लोबल के विश्लेषण का आकलन कहता है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप की जीत से भारतीय शेयर मार्केट में तेजी आ सकती है। दोस्तों, आज इसका असर दिखाई भी दिया। वहीं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की स्थिति में सुधार और पूंजी प्रवाह में वृद्धि की संभावना। वहीं भारत को कुछ नुकसान भी झेलने को मिल सकते हैं ट्रंप की जीत से। ये हो सकते हैं भारत को 5 फायदे, जो दोस्तों इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। चूंकि चीनी प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ है, ये अमेरिकी मार्केट में ऑटो पार्ट्स, सौर उपकरण और रासायनिक उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, ट्रंप की जीवाश्म ईंधन नीतियों और चीनी की धीमी इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण ऊर्जा लागत कम हो सकती है। इससे HPCL, BPCL, IOC जैसी भारतीय तेल कंपनियों और IGL और MGL जैसी गैस वितरण कंपनियों के लिए फायदा हो सकता है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में तेजी आ सकती है। अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर उनका ध्यान भारत डायनेमिक्स और HIL जैसी भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए बेहतर हो सकता है। चौथा, दुनिया के कई देशों में फैले तनाव को ट्रंप खत्म कर सकते हैं। ऐसे में सप्लाई चेन में सुधार होगा, जिससे भारतीय व्यापार को मदद मिल सकती है। ट्रंप का जोर अमेरिका के औद्योगिक विकास पर होता है, ऐसे में दोनों देशों में काम करने वाली कंपनियों को लाभ हो सकता है। इनमें ABB, सीमेंस, कमिंस, हनीवेल, GE T&D और हिताची एनर्जी शामिल है। पांचवा, ट्रंप के नेतृत्व में कारोबारी माहौल में सुधार हो सकता है। इससे संभावित रूप से कॉर्पोरेट टैक्स में कमी आ सकती है। वहीं व्यापार अनुकूल नीतियों के माध्यम से भारतीय शेयर मार्केट में भी तेजी आ सकती है। और तो और दोस्तों, भारत के 5 नुकसान जो इस प्रकार से हैं। पहला, महंगाई बढ़ सकती है। ब्याज दरों में तेजी और अमेरिकी चीजों की बढ़ी हुई लागत से भारतीय कारोबार पर असर पड़ सकता है। दूसरा, ट्रंप की आर्थिक नीतियों से अमेरिकी डॉलर मजबूत हो सकता है। टैक्स कटौती और राजकोषीय उपायों के माध्यम से बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है, इससे रुपये में गिरावट आएगी। डॉलर के मजबूत होने से भारत जिन चीजों का आयात करता है उसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी, विशेष रूप से तेल के लिए। इससे भी घरेलू महंगाई बढ़ेगी। तीसरा, ट्रंप की जीत से भारतीय शेयर मार्केट में शुरू में बेशक तेजी आई हो, लेकिन लंबे समय तक यह तेजी रहेगी, इस पर संशय रहेगा। ट्रंप की नीतियां शेयर मार्केट में अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। पिछले डेटा से पता चलता है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी बाजारों ने भारतीय बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया। इस दौरान नैसडैक को 77% की बढ़त मिली थी, वहीं निफ्टी मात्र 38% ही चढ़ पाया था। चौथा, वीजा को लेकर भी भारतीयों के लिए परेशानी हो सकती है। ट्रंप ने पिछली बार H-1B वीजा पर बैन लगा दिया था। इससे अमेरिका में मौजूद भारतीय IT कंपनियां
बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थीं। पांचवा, ट्रंप ने भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना की है। ट्रंप प्रशासन भारत पर ट्रेड बैरियर को कम करने के लिए दबाव डाल सकता है। इससे आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप ऑन ग्रीन कार्ड ने वादा किया है कि अगर वे फिर से राष्ट्रपति चुने गए तो अमेरिकी कॉलेजों से स्नातक करने के बाद विदेशी छात्र स्वत ही ग्रीन कार्ड के अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत, चीन जैसे देशों की मेधा को डिग्री लेने के बाद घर वापस नहीं लौटना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को आगे ले जाने के लिए काबिल लोगों की जरूरत है, उन्हें देश से बाहर भेजने की नहीं अमेरिका में रोकने की जरूरत है। अमेरिका में भारत वंशियों की बड़ी संख्या है, इसलिए ग्रीन कार्ड का लाभ भी उन्हें अधिक मिलेगा। अमेरिका में ग्रीन कार्ड स्थायी निवास का एक दस्तावेज है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप मेक्सिको सीमा से प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों के प्रति कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप ने गुरुवार को ऑल इन पॉडकास्ट के दौरान कहा, किसी विदेशी छात्र को कॉलेज से स्नातक करते ही ग्रीन कार्ड मिल जाना चाहिए, इसमें जूनियर कॉलेज भी हो। पॉडकास्ट का आयोजन जिन चार चंदा देने वाले पूंजीपतियों की ओर से आयोजित किया गया था, उनमें तीन अप्रवासी थे। उधर ट्रंप का चुनाव अभियान चलाने वालों ने कहा है कि यह पहली बार है जब ट्रंप चुनाव के लिए नकदी जुटाने के मामले में राष्ट्रपति जो बाइडेन से आगे निकल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के चुनावों में जीत हासिल की है, ऐसे में उनके निजी और राजनीतिक जीवन के बारे में भी खूब चर्चा हो रही है। ट्रंप शुरू से ही आक्रामक व्यक्तित्व के इंसान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म न्यूयॉर्क में 14 जून 1946 को हुआ था। उनका परिवार पहले से काफी अमीर था, इसलिए कहा जाता था कि ट्रंप चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए। ट्रंप जब छोटे थे तभी उनकी माँ बीमार रहने लगी और उन्हें बचपन में माँ का प्यार कम मिल पाया, इसीलिए ट्रंप पर पिता का असर ज्यादा रहा। स्कूली जीवन में बच्चों को करते थे बुली, यहाँ तक कि पढ़ाई। ट्रंप स्कूल टाइम में भी काफी आक्रामक थे और उनके पिता के पास अक्सर ट्रंप की शिकायतें आती रहती थीं। ट्रंप अपने स्कूल के दिनों में बच्चों को बुली भी किया करते थे। इसी वजह से ट्रंप के पिता ने उनका एडमिशन मिलिट्री स्कूल में करा दिया था। उस समय ट्रंप की उम्र 13 साल थी। मिलिट्री स्कूल से पास होने के बाद ट्रंप ने 2 साल तक फोर्डहम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। इसके बाद वह पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी चले गए। उन्होंने रियल स्टेट प्रोग्राम में पढ़ाई की। उन्होंने साल 1978 में इकोनॉमिक साइंस में भी डिग्री ली। राजनीति में आने से बहुत पहले से अरबपति थे। ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी करने से काफी समय पहले ही ट्रंप अमेरिका के अरबपति थे। उन्हें रियल एस्टेट मुगल कहा जाता था। वह पहले भी अमेरिकन मीडिया में काफी हाईलाइट होते रहते थे और उन्होंने अपनी बेबाक प्रचार शैली से कई अनुभवी राजनेताओं को हराया। साल 2000 में ट्रंप को द अप्रेंटिस नाम के टीवी शो से बड़ी पहचान मिली। वह इस शो को होस्ट करते थे जिससे वह काफी लोकप्रिय हुए। वैसे तो उन्होंने साल 1980 में राजनीति में दिलचस्पी ली थी, लेकिन साल 1980 में उन्होंने राजनीति में दिलचस्पी ली थी। 2015 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी और साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हराया था। इसी को ट्रंप के राजनीतिक जीवन की असल शुरुआत माना जाता है। साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को जो बाइडेन के हाथों हार मिली थी, ट्रंप अपने निजी जीवन की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी इवाना ट्रंप, दूसरी मार्ला मेपल्स और वर्तमान पत्नी मेलानिया ट्रंप हैं। ट्रंप के 5 बच्चे भी हैं। दोस्तों, बस इतना ही। भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री खाटू श्याम जी।